ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी की एक्सरसाइज वन स्टार्ट करनी है। ऑब्जेक्टिव वन हमें स्टार्ट करना है। फाइन, सो लेट्स सी, क्वेश्चन वन देखते हैं। अपॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट अ पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज क्लोज टू द नॉर्मल मीट एट अ पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज मेकिंग अ स्मॉल एंगल विद द मिरर मीट एट अ पॉइंट व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स मेक डिफरेंट इमेजेस। ओके, सो अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, देखो प्लेन मिरर सबसे सिंपल केस होता है। आपके पास एक प्लेन मिरर है एंड इस तरह से हम ये एक्सेस ले लेते हैं सो दैट आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा एक्सेस पे। लेट्स से जो ऑब्जेक्ट है वो एक सोर्स है ना एस। लेट्स से जो डिस्टेंस है वो डी है प्लेन मिरर से। सो सेम डिस्टेंस डी पे आपके पास वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पे एस डैश। एंड आप देखो कि जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं इस तरह से ये रे आएगी एंड ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी समथिंग लाइक दिस। एंड जब आप इसे पीछे एक्सटेंड करोगे रिफ्लेक्टेड रे को तो वो कहाँ से आती हुई दिखाई देगी? इमेज से। आप देखो आप कोई भी रे ले लो इस तरह से, जरूरी नहीं है कि वो प्लेन मिरर के साथ या फिर नॉर्मल के साथ स्मॉल एंगल बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप कोई भी एक रे लो उसको रिफ्लेक्ट करो और जब आप उसे पीछे एक्सटेंड करोगे सो वो आपको इमेज से आती हुई दिखाई देगी और यू कैन से इमेज पे जाके मिलेगी पीछे एक्सटेंड करने पे। सो लाइक ये जो कंडीशंस है ना कि स्मॉल एंगल होना चाहिए, पैरेक्सियल होना चाहिए, ये जो पैरेक्सियल रेज है ये हमने डिफाइन किया था स्फेरिकल मिरर के लिए। प्लेन मिरर से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो आप देखो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। जो भी रेज है राइट वो सभी की सभी जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज है उनको जब आप पीछे प्रोड्यूस करोगे तो वो एक पॉइंट से पास करेंगी जो कि इमेज होगी। ऑप्शन क्वेश्चन टू चेक करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस ऑनली इफ। देखो टी आई आर के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर जाती है और दूसरा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। बस ये दो कंडीशन है। ए क्या कह रहा है? लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। नहीं, लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम भी सही है। द रिफ्रेक्टिव इंडाइसेस ऑफ द टू मीडिया आर क्लोज टू ईच अदर। नहीं, ये भी नहीं। द रिफ्रेक्टिव इंडाइसेस ऑफ द टू मीडिया आर वाइडली डिफरेंट। नहीं, जो दो कंडीशन मैंने आपको बताई बस वो याद रखो, टेंसर से रेयरर और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ओके, थर्ड चेक करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स ओनली पैरेक्सियल रेज आर कंसिडर्ड बिकॉज दे आर इजी टू हैंडल ज्योमेट्रिकली। ऑफकोर्स दिस इज नॉट द रीजन राइट। लाइक हम जिन रेज को हैंडल कर सकते उनसे इमेज बनाते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। अभी देखते सर्टेन कंटेन मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। सो आप देखो कि जो इंटेंसिटी है वो पैरेक्सियल रेज में ज़्यादा होगी ऐसा नहीं है राइट। जो इंटेंसिटी है वो सभी रेज में इक्वली डिवाइड होती है। सो पैरेक्सियल रेज में भी उतनी ही इंटेंसिटी होगी ऑब्जेक्ट की लाइट की जितनी मार्जिनल रेज में होगी। सो ऑप्शन बी भी सही नहीं है। आ फॉर्म नियरली अ पॉइंट इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स। ओके डी देखते हैं पहले। शो मिनिमम डिस्पर्जन इफेक्ट। नहीं, मिनिमम डिस्पर्जन इफेक्ट पैरेक्सियल रेज के लिए है ऐसा कोई लाइक थ्योरम या फिर ऐसा कोई लॉ नहीं है। जो ऑप्शन सी है वो सही है। फॉर्म नियरली अ पॉइंट इमेज ऑफ अ पॉइंट सोर्स। आप देखो इससे क्या फायदा होता है, अगर हम कहते हैं कि आपके पास कोई भी मिरर है, इस तरह से मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ, कोई भी मिरर हो सकता है और ये इसके प्रिंसिपल एक्सेस है। अगर हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं सो बेसिकली हमें उसकी एक पॉइंट इमेज ही चाहिए टू लोकेट और ट्रैक द इमेज। अगर आपके पास एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी है तब भी आप देखो आप उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को मल्टीपल और बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर सकते हो। डिफरेंशियल पॉइंट एलिमेंट को लेके हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो अगर आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक पॉइंट इमेज नहीं मिलेगी देन किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज ही चाहिए
तभी आप एक किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर इमेज को लोकेट कर सकते हो। अदरवाइज आप देखो, अगर आपके पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है राइट, और उसकी जो इमेज बन रही है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो मल्टीपल लोकेशंस पे बन रही है। सो इन दैट केस आप इमेज को कभी भी लोकेट नहीं कर पाओगे। सो काइंड ऑफ आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज ही चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फर्दर टू ट्रैक द इमेज। सो ऑप्शन सी ही सही है। फोर्थ देखते हैं, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, द इमेज विल फॉर्म एट। ओके, सो देखो न्यूमेरिकल है, काफी सिंपल सा। आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो होगी +30 राइट, पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सो यू कितना हो जाएगा, -30, लाइक जो आपका पोल है उसको ओरिजिन लेंगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव और उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन निगेटिव, यू का वैल्यू -30, एफ का वैल्यू +30। सो मिरर फार्मूला 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/u की वैल्यू -30 + 1/v इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू 30। सो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/30 + 1/30, दैट इज 1/15। सो v की वैल्यू आ गई 15, प्लस का 15 आ रही है, इट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर। सो पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स मिरर के पीछे का डायरेक्शन 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपकी इमेज बन गई। ऑप्शन से देखते हैं, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ, फिगर शोज टू रेज ए एंड बी बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर एंड गोइंग एज ए डैश एंड बी डैश, द मिरर इज प्लेन, इज कॉन्वेक्स, इज कॉनकेव, मे बी एनी स्फेरिकल मिरर। ओके, सो देखो ए और बी पैरेलल रेज है, और रिफ्लेक्शन के बाद ए डैश और बी डैश ये भी कैसी है, पैरेलल है। अब देखो, अगर हम कहते हैं आपके पास जो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल है, नाउ अगर आपका जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर है, देन आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कन्वर्जिंग होगी, बिकॉज ये जो कॉनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग मिरर है। अगर आप पैरेलल इंसिडेंट रेज लेते हो, ये इंसिडेंट रेज है, देन रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज है वो कन्वर्ज हो जाएंगे। सो कॉनकेव मिरर रेज को कन्वर्ज कर देगा। अगर आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, सो कॉन्वेक्स मिरर क्या करेगा, रेज को डाइवर्ज कर देगा। सो अगर ये जो मिरर है ये कॉन्वेक्स होता, देन जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कुछ इस तरह से होती, डाइवर्जिंग। सो आप देखो कि अगर जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी पैरेलल है, इट मींस आपका जो मिरर था वो प्लेन मिरर था राइट। सो विच ऑप्शन, आपका जो मिरर है, अब देखो जो इंसिडेंट रेज है वो भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है, इट मींस आपका जो मिरर था वो प्लेन मिरर था। फिफ्थ सही है। सिक्स्थ की बात करते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज रियल, इज ऑलवेज वर्चुअल। देखो ए और बी तो डेफिनेटली गलत है। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, अगर हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं इस तरह से, देन आप देखो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है। सो अगर आपका ऑब्जेक्ट माइनस इनफाइनाइट से फोकस के बीच में रखा हुआ है, यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, देन जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है राइट, ये थोड़ा सा ध्यान में रखो। और वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है फोकस से पोल के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देन जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा रियल बनेगी या हमेशा वर्चुअल बनेगी, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। सो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली गलत है। सी की बात करते हैं, सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ओके, सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस तरह से होता है, देखो वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये आपका मिरर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा, समथिंग लाइक दिस, इस मिरर के पीछे यहाँ पे कहीं पे आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। सो आप देखो कि ये जो रेज आ रही है इस मिरर पे वो कन्वर्जिंग है, और जो कॉनकेव मिरर है उसकी प्रॉपर्टी वो कन्वर्ज करता है रेज को। सो ऑलरेडी ये जो रेज है ये कन्वर्जिंग है।
Okay, fine. Okay, is it working? Yeah. So आप देखो, हम बात कर रहे थे कि जो आपका यू नो मिरर है उसकी प्रॉपर्टी की वो कन्वर्ज करता है रेज को. सो जो रेज ऑलरेडी कन्वर्जिंग है उनको फर्दर कन्वर्ज करेगा और आपके पास जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी रियल इमेज. सो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है देन उसकी जो इमेज बनेगी वो 100% कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी. और फार्मूले से भी देख सकते हो. फार्मूले से आप कैसे देखोगे, आप देखो कि इस केस में अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल है देन आपका जो यू होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट. वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए आप देखो ये जो डिस्टेंस होगा लाइक मिरर के पीछे ये डायरेक्शन पॉजिटिव होना तो यू विल बी पॉजिटिव. एंड जो एफ होगा, एफ की अगर हम बात करें इस कॉनकेव मिरर के लिए तो एफ कैसा होता है, नेगेटिव होता है. सो आप देखो कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर फॉर्मूला. सो जो 1/v है दैट इज 1/f माइनस 1/u. आप देखो 1/f ये क्या है, नेगेटिव में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आप माइनस करोगे. एक नेगेटिव क्वांटिटी में से कुछ कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस करने पे ये जो राइट हैंड साइड है ये हमेशा नेगेटिव आएगा. इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या है, नेगेटिव है. अगर ये नेगेटिव है इट मीन्स आपका जो वी है वो नेगेटिव है. अगर वी नेगेटिव है इट मीन्स जो इमेज है वो रियल है. लाइक नेगेटिव डायरेक्शन में आपका, नेगेटिव डायरेक्शन मीन मिरर के सामने इमेज बन रहा है सो वो कैसा है, रियल है, राइट. एनीवे सो विच ऑप्शन, ऑप्शन जो सी है वो सही है, रियल होगा.